वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ सुषमा रेसिपीज़। हम आज बना रहे हैं काले वाले चने के छोले। आई नो कि वाले छोले बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आते, मुझे खुद ही नहीं पसंद था, लेकिन मम्मी एक नए तरीके से बनाती हैं जो कि आई एम 110% श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। यहाँ हमने राई का तेल लिया है, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो आप यहाँ पर ले सकते हैं। 1 tablespoon ऑफ जीरा ले लेंगे, उसमें बारीक प्याज डाल दिया है। यहाँ पे हम टमाटर और थोड़ा सा चना पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे, इसकी प्यूरी बना लेंगे। उसके बाद यहाँ कढ़ाई में हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, ये फ्लेवर्ड जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। आप चाहें तो आप घिस कर भी वो वाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हमने जो पेस्ट तैयार किया है टमाटर और चने का वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस आपको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, नहीं तो आपका पेस्ट जल सकता है। पेस्ट और मसाले जो हम इसमें अभी पाउडर्ड मसाले डालेंगे वो अच्छे तरीके से पक जाए, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किए हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें अपने पाउडर्ड मसाले डाल देंगे, ये तो आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ हमने 1/2 tablespoon ऑफ हल्दी, 1/2 tablespoon ऑफ लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालकर चला देंगे ताकि अच्छी तरह से सभी मसाले प्यूरी के साथ पक जाएं। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर से बहुत खट्टा और बहुत अच्छा सा छोला बनेगा। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, नींबू निचोड़ देंगे थोड़ा सा खट्टा, जिनको ज़्यादा पसंद हो, वरना अगर आपने आमचूर पाउडर डाला है तो नींबू ऑप्शनल है। जब ग्रेवी थोड़ी थोड़ी कढ़ाई में लगने लग जाए ये इंडिकेशन होता है कि हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है। फिर हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि वो जो नीचे लग रहा है वो लगे नहीं। सभी मसाले ऑलमोस्ट अच्छे से पक चुके हैं तो हम इसमें बॉईल चना डाल देंगे। चना को हमने पहले ही बॉईल कर लिया था, वो वाला चना यूज़ करेंगे। ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ये अच्छे तरीके से पक चुका है क्योंकि चना ऑलरेडी बॉइल्ड था, मसाले भी पक चुके हैं। ऊपर से धनिया से गार्निश कर देंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं तो मम्मी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो और वीडियोस बनाती हैं, इसीलिए प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट टू द वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस।